विश्व पर्यावरण दिवस व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमर शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमर शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान के डायरेक्टर एच राजा मोहन के अध्यक्षता में नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार द्वारा परिसर में 101 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर नगर विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर पौधरोपण करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दीर्घायु की कामना करते हैं। इस मौके पर अमर शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान के डायरेक्टर एच राजा मोहन, नगर विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल, प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार, डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान डायरेक्टर एच राजा मोहन एवं नगर विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा। अभी बात रहे थे पहले से करनी लाइए आज विश्व पर्यावरण दिवस का अवसर पर और माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस पर हम लोग यहाँ जो गोरखपुर चिड़ियाघर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें माननीय विधायक जी सरदार अपने योगदान दिया है, अपने कर कमलों से एक पौधा लगाया गया है और इस अवसर पर आइए इनका हम लोग हरा भरा करने के लिए 101 पौधा भी लगाएंगे, उसका अभियान शुरू हो गया है। पूरी दुनिया के लिए आज पर्यावरण दिवस है और हम गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर का जन्मदिन है। ये पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को शुरू हुआ था और ईश्वर की इच्छा देखिए आज ही 5 जून 1972 को ही योगी की का जन्मदिन था, तो हम लोगों को बहुत खुशी है। पर्यावरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भी बहुत काम करना बाकी है। कहा जाता है कि औसत 30% जंगल होने चाहिए और उस दृष्टि से हम जंगल और पर्वतीय प्रदेशों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उनसे भी पीछे हैं। इसलिए हम लोग का और हमारी सरकार का विशेष अभियान है कि यथासंभव हम इस दौड़ में भी, जैसे विकास के हर मानक में हम दुनिया में और भारत में सभी राज्यों के मुकाबले बेहतर हुए हैं, वृक्षारोपण और जंगली वृक्षों के स्थापना की दृष्टि से भी हम आगे हो जाएंगे। कोरोना को देखते हुए इसका बहुत महत्व है।